हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कमेंट सेक्शन में कि आपका रिजल्ट कैसा रहा एसएसओ का। तो मैंने इसी टॉपिक पे ये वीडियो बनाया है। तो मेरा जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, मेरा क्लियर नहीं हुआ है। और 78 अटेम्प्ट थे उसके बावजूद भी क्लियर नहीं हुआ। अब वो मिस्टेक कहाँ रह गई, किस में कम आए और किस में नेगेटिव हुआ, तो फिर वो मैंने जब स्कोर कार्ड देखा तो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया हुआ। रीजनिंग में मेरे कम मार्क्स हैं, आई मीन इंग्लिश में भी रॉन्ग हुए। इंग्लिश में जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया था, मेरे 3-4 मिस्टेक तो होंगी जहाँ तक मुझे लग रहा था, बट रीजनिंग में आई गेस कुछ रॉन्ग हुआ, कोई पजल रॉन्ग हुई, क्या हुआ, तो उस वजह से वो मार्क्स नेगेटिव हो गए। बाकी क्वांट में जितने किए थे क्वांट में तो उतना ही स्कोर है। और अभी मैं आप लोगों के साथ अपना स्कोर कार्ड शेयर करती हूँ, आप लोग देखिए मेरा कितना स्कोर आया है और कट ऑफ से कितना कम है और किस किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ गई है, हम लोग वो भी शेयर करेंगे। तो कट ऑफ आप देख सकते हैं, जनरल का गया है 76.25 विच इज़ टू हाई, और EWS का है 72.25, OBC 72.25 और SC ST का भी आप लोग देख सकते हैं कितना कट ऑफ किया है। और मैं अपने मार्क्स बताऊं तो ये देखिए, मेरा नेम है रश्मि और मेरे आए हैं 71.75, 24 इंग्लिश में है, 21.75 रीजनिंग में है और 26 क्वांट में है। तो मेरे रीजनिंग में कम है, अगर एक नंबर और मिल जाता तो मेरा EWS कैटेगरी से ये क्लियर हो जाता, बट मुझे नहीं मिला। एनीवेज नहीं मिला तो नहीं मिला, क्या कर सकते हैं। तो फाइनली आप लोगों ने मेरा स्कोर कार्ड देख लिया, मेरे मार्क्स भी देख लिए। अब एट दी एंड बस यही कहना चाहूँगी, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। और अभी तो लगभग 3 जो एग्ज़ाम है वो लाइन में बने हुए हैं आगे, तो फिर उनके लिए पढ़ती हूँ। और रहा सवाल RRB का, तो फिर RRB के जो मार्क्स है वो मैं दे ही रही हूँ। अब कुछ और कर भी नहीं सकते, और कोई ऑप्शन है भी नहीं, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। जब तक सिलेक्शन नहीं लेना तब तक पढ़ना ही पड़ेगा मुझे, किसी को भी इनफैक्ट। और बस अब भूल जाती हूँ जो भी हुआ। मम्मी बोलती है कि तू जब एग्ज़ाम देके आती है तो भूल जाएगा तूने कोई एग्ज़ाम दिया है। और जैसे कल रिजल्ट आया तो मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी कह रही कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब आगे 3 एग्ज़ाम और आ रहे हैं और मे बी बहुत जल्द SBI क्लर्क भी आए, फिर PO आएगा, IBPS PO आएगा। तो कहूँ तो ये इस साल पूरे 6 एग्ज़ाम अभी हैं, तो उन 6 में से कोई ना कोई एक तो क्लियर हो गई ना, और होगा ही। तो बस मैं यही सोच रही हूँ और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अब पढ़ती हूँ। और अभी मॉर्निंग के लगभग 10 बज रहे हैं, वीडियो पोस्ट करते करते मुझे 11-12 तो बज जाएंगे। तो आजकल मेरा जो शेड्यूल है वो काफ़ी हैक्टिक हो रखा है, क्योंकि इतना सारा पढ़ने को है, करंट अफेयर्स है, कंप्यूटर है, प्री के मॉक, मेंस के मॉक, सेक्शनल मॉक, इतना सब कुछ है। तो फिर ऐसे में फिर जो वीडियो डेली बना पाना मुश्किल हो जाता है। बट इसका तो मुझे बनाना ही था, क्योंकि जब मैंने SSO का एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था तो फिर अपना जो रिजल्ट स्टेटस है वो भी शेयर करना तो बनता ही था। और डजेंट मैटर मैं एग्जाम में पास हो रही हूँ, फेल हो रही हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती ये बोलते हुए कि मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा और उस चीज़ को मैं हर बार ओवरकम कर देती हूँ। और जिसका भी नहीं हुआ है, आप लोग भी प्लीज़ उस चीज़ को ओवरकम कीजिए, उस चीज़ के बारे में सोचिए नहीं, आगे बहुत सारे एग्जाम हैं, उनके लिए अच्छे से डेडिकेटेड होकर पढ़िए। एंड ट्रस्ट मी, 6 एग्जाम है, 6 में से कोई ना कोई एक क्लियर तो हम कर ही लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।